हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिजिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स। सो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, तो उससे पहले ये बताऊंगा कि इन्वेंशन क्या होता है और डिस्कवरी क्या होता है, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में। तो इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन इज एक्चुअली इज क्रिएटिंग समथिंग टोटली न्यू विथ वंस ओन आइडिया एंड डेवलप। तो ये क्या होता है इन्वेंशन? इन्वेंशन होता है कि कुछ नया चीज़ बनाना है जिसमें कि खुद का आइडिया लगा हो, जिसमें जिसको खुद खुद ने डेवलप किया हो, तो वो नेचर में मौजूद ना हो, तो उसको खुद से खुद की आइडिया से डेवलप किया हो, तो उस चीज़ को इन्वेंशन बोलते हैं। एंड साथ ही साथ डिस्कवरी की बात करें तो वो इन नेचर में होता है, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, मगर वो मतलब लोगों को मालूम नहीं होता है उस चीज़ के बारे में। सो उस चीज़ को मालूम करने वाला जो कर मतलब उस चीज़ को मालूम करवाता है, रूबरू करवाता है लोगों को, तो उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं। ठीक है, तो सी रूट अगर है तो सी रूट पहले से था, मतलब उसको किसी ने डिस्कवर किया तो उसको डिस्कवरी कहेंगे। एंड अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो एडिसन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब को उन्होंने, वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो था स्ट्रक्चरली वो नहीं था वहाँ पे मौजूद, ठीक है, तो उसने उस चीज़ को बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया, तो वो उसका क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा इन्वेंशन का सबसे पहला है हमारा आज का अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर क्या होता है एक्चुअली? अल्टीमीटर आपका, अगर अल्टीमीटर की बात करें तो ये था, इसको किसने इन्वेंट किया? इसको किया था लुइस पॉल ने, ठीक है, अल्टीमीटर को। एंड अल्टीमीटर इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन मेजरिंग अल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए ये इस जो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लुइस पॉल के द्वारा इन्वेंट किया था। एंड सेकंड हमारा है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर, तो इसको लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी इनके द्वारा इसको इन्वेंट किया था। तो इस ये क्या होता है एनीमोमीटर? ये आपका मेजर द स्पीड डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड। इस चीज़ को मेजर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है मेजर टू स्पीड डायरेक्शन और प्रेशर ऑफ द विंड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा आज का एमीटर। तो एमीटर फ्रेडरिच ड्रेक्सलर के द्वारा आपका फ्रेडरिच ड्रेक्सलर के द्वारा ये इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेजर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करने के लिए ये इस एमीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ बात है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर को एवेंगेलिस्टा टोरिसिला के द्वारा आपका ये इन्वेंट किया था। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका किस लिए इस्तेमाल करता है? बैरोमीटर आपका इस्तेमाल करता है मेजर एटमोसफेयरिक प्रेशर एंड कंडीशन को आपका मेजर करने के लिए ये इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कैरोमीटर। तो कैरोमीटर आपका इस्तेमाल करते हैं लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे और एक इंस्ट्रूमेंट है कार्डियोग्राम, तो जिसको हम ईजीसी बोलते हैं, ईजीसी जो आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, तो वो आपका किसने इन्वेंट किया था? आपका विलियम इंथोविन। तो इंथोविन विलियम इंथोविन के द्वारा आपका ये इनको इन्वेंट किया था, इसको कार्डियोग्राम को। एंड ये किस लिए होता है? ट्रेस मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्ड्स ऑन ए कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ में इसमें आपका मूवमेंट ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफिक्स इसमें साइंस दिखाते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो इसके बाद है आगे हमारा सेवंथ इलेक्ट्रोमीटर। क्योंकि इलेक्ट्रोमीटर इसको किसने इन्वेंट किया था? विलियम सिनो हैरिस ने आपका इन्वेंट किया था। तो इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको मेजर वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंट इन इलेक्ट्रिक करंट। छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को जो इलेक्ट्रिक करंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसको मेजर करने के लिए आपका इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमें दिया गया है गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर का को किसने इन्वेंट किया था? जॉन सचवी गेरी ने इन्वेंट किया था. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको मेजर करते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के जरिए से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डायनोमो. तो ये इसको मिचली फ्रेडरिक के द्वारा इन्वेंट किया था, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्ट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इस डायनेमो के जरिए, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. आगे हैं इलेक्ट्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? विलियम गिलबर्ट ने इन्वेंट किया था. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है. डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे दिया गया है हेप्सोमीटर. हेप्सोमीटर यानी इसको किसने इन्वेंट किया था? वेनी आर नॉर्मन ने आपका इन्वेंट किया था. एंड इट इज यूज इन डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेप्सोमीटर को. एंड आगे इसके आगे हैं हमारा 12th दिया गया है हमें माइक्रोफोन्स. माइक्रोफोन्स को किसने इन्वेंट किया था? इमाइल बर्लिनर के द्वारा इन्वेंट किया था. एंड ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स को. आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इसको किसने इन्वेंट किया था? जचिरन जेंसन ने इन्वेंट किया था. एंड इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइंड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफाइंड व्यू को देखने के लिए, बड़ा व्यू देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. आगे हमें दिया गया है ओडोमीटर. ओडोमीटर आप लोगों ने सुना होगा. ओडोमीटर, ओडोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था. एंड इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल करते हैं किस लिए, जो आपका डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये गाड़ियों में लगे होते हैं, ठीक है, बाइक्स पर लगे होते हैं, उसको ओडोमीटर बोलते हैं. एंड आगे है हमें ओम्स मीटर. ऑसवाल्ड रॉबर्ट हॉरोल्ट इनके द्वारा ये ओम मीटर्स इस्तेमाल ये इन्वेंट किया था. तो ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये आपका मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उस चीज़ को मेजर करने के लिए ओम्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं सिस्मोग्राफ. ये आपने सुना होगा जॉन मिलेनी के द्वारा इसको इन्वेंट किया था. तो ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक के जो अर्थक्वेक होता है उसके इंटेंसिटी को ये पता करने के लिए और ओरिजिन को पता करने के लिए आपका सिस्मो जो ग्राफ है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसका, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा है स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? जॉस बिलुसी ने इन्वेंट किया था. एंड ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज़ फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल्स की जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. एंड आगे है पैरोमीटर. तो पैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? जोसिया विक्टवुड ने. जोसिया विक्टवुड के द्वारा आपका जो पैरोमीटर है इसको इस्तेमाल ये इन्वेंट किया था. एंड वाज मेजर्ड इसलिए को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये आपका वो जो आपका है ना कोविड का टेस्ट करते हैं टेम्परेचर, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है, पैरोमीटर. एंड आगे हमें दिया गया हमें सफगमनोमीटर. सफगमनोमीटर आपका बीपी ऑपरेटर होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इनको सेमुल या वॉन बेट्स या करल रिचर इन तीनों के द्वारा इसको इन्वेंट किया था, ठीक है. तो ये आपका बीपी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं टेलीफोन. टेलीफोन की अगर बात करें तो इनको किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने
इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, एंड यूज़ करते हैं किस लिए, आपका जो फ़ोन बातें करने के लिए, इसमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टेलीफोन में। एंड आगे बढ़ते हैं, टेलीविजन, सॉरी टेलीविजन, टेलीविजन को किसने इन्वेंट किया था, जे एल बैरेट ने इसको इन्वेंट किया था। एंड इसमें क्या होता है, आपका ट्रांसमिटेड होता है जो इमेज या वो है, वो आपका मूव करता है इमेज, तो वो ब्लैक एंड वाइट कलर हर किसी कलर में होता है, ठीक है। एंड आगे है स्टेटोस्कोप, जो कि आपने देखा होंगे डॉक्टर्स के गले में लगे होते हैं, रिनी लेनिसी, तो इन्होंने जो स्टेटोस्कोप है इसको इन्वेंट किया था। एंड यूज़ फॉर हियरिंग एंड एनालाइजिंग द साउंड ऑफ हार्ट, हार्ट के जो साउंड है उसको सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। तो आगे है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दिया गया है, टेलीस्कोप इसको किसने इन्वेंट किया था, हैंस लिपर्शी ने इन्वेंट किया था। एंड यूज़ करते हैं इसको किस लिए, यूज़ फॉर अ मैग्निफाइंग व्यू ऑफ डिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। एंड आगे है हमारा 24 थार्मोमीटर, तो थार्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया था, गैलीलियो गैलीले ने इसको इन्वेंट किया था। एंड ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड 25th है आपका ट्रांसफॉर्मर, तो ऑटो बेलेथिया ने इसको इन्वेंट किया था। एंड ये यूज़ करते हैं किस लिए, कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, या नहीं तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस जो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो था हमारे 25th। एंड आगे है हमें 26th दिया गया है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को किसने इन्वेंट किया था, एंड्रयू के ने इन्वेंट किया था। एंड इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का, उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड 27th है वाट मीटर, तो इसको ऑटो बेलेथिया ने इसको इन्वेंट किया था। एंड इसको मेजर इसको इस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक जो पावर है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। एंड लास्ट है, इसके बाद है हमारा लास्ट एक्सरे, एक्सरे इसको किसने इन्वेंट किया था, विलियम रोथिंगी ने इन्वेंट किया था। एंड इसको यूज़ करते हैं आपके हॉस्पिटल्स में डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे फिजिक्स में, इससे पहले हमने बायो के इन्वेंशन और इन्वेंटर किए हुए हैं, तो ये फिजिक्स के जो थे वो थे, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।